Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aliyun waliyullah. Nadirna samin ikram, ek bewaquf mufti ki aapne abhi jo clip samat farmayi hai, iska naam hai mufti mushahid, jo apne aap ko abul munazir kehta hai. इसने बकवास ये की और इसकी अकल देखे हैं कि इसको मुफ्ती किसने बना दिया. आप खुद हैरान रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि इसको मुफ्ती किसने बनाया होगा और ये अबुल मुनाजिर अपने आप को किस लिहाज से कहता होगा. हम कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे वो मछली जन्नत में जाएगी, तो जिस अबू तालिब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वो अबू तालिब जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे. खैर ये तो हमारी तरफ से कोई दलील है नहीं और इतनी छोटी बातों को हम दलील बनाते नहीं. ये भी बात है, दलील बन सकती है लेकिन हम इसको बनाते नहीं. क्यों? इसलिए कि हमारे पास तो कुरान करीम की सैकड़ों आयात से हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहि सलाम का ईमान साबित है, अहदीस से साबित है. नाज़रीन इसने एक बकवास ये की, इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, अहले बैत अलैहिम सलाम का बुग्ज़ इसके दिल में है. इसने कहा कि कुत्ता जो अस्हाबे कहफ के साथ था वो उनकी सोहबत में उनकी संगत में रह के वो जन्नत में जा सकता है, तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जन्नत में क्यों नहीं जा सकते. तो उसने इस पर एतराज कर ये कहा कि अरे उस कुत्ते का किरदार तो देखो, जो औलिया अल्लाह के साथ, बुजुर्गों के साथ, अस्हाबे कहफ के साथ था, उसका किरदार कैसा था. तो उसके कहने का मतलब यह था कि किरदार की वजह से कुत्ता जन्नत में चला गया. तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था. अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते थे, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को खाने का निवाला उठाने नहीं देते थे और उनको उनके आने को, उनके घर में खाना खाने को वो हुसूल बरकत का जरिया समझते थे. हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब कहत हो गया मक्का में तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते हैं और आपके वसीले से दुआ करते हैं. बुतों के पास जाकर दुआ नहीं किए, काबतुल्लाह में जाकर दुआ करते हैं और वसीला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देते हैं और आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस्लाम की शान और तबलीग इस्लाम का सबसे पहला जलसा शेबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम में हुआ, यानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हुआ है और इस्लाम की दावत को आम करने के लिए हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है. अगर किरदार अच्छा रहने से औलिया अल्लाह के साथ रहकर कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो एक इंसान जिसका किरदार नबी के साथ अच्छा रहा है फिर वो कैसे जन्नत में नहीं जा सकता. इसने किरदार अच्छा बताकर कुत्ते को जन्नती बना दिया, लेकिन जो रसूलुल्लाह के चचा हैं उनका किरदार तो नबी के साथ बहुत अच्छा था. ऐसा तो किसी सहाबी का किरदार नहीं था नबी के साथ जैसा किरदार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था, तो फिर वो कैसे जन्नती नहीं हुए. नाज़रीन सामईन इकराम, इनकी अकलों पर पर्दे पड़ चुके हैं, इनके दिल में बुग़्ज़ फ़क़त अहले बैत अलैहिस्सलाम का है. इसी वजह से हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहते हैं, उनके कुफर को डंके की चोट पर और खुलकर बयान करते हैं. बेदलील बेसनद बातें जिसकी कोई हकीकत नहीं है. कुरान और हदीस को पढ़ते ने शगफ नहीं है कुरान करीम को पढ़ने का, कुरान करीम से शगफ नहीं है, लोगों को शौक नहीं है कुरान करीम पढ़ने का, इनके दिल में फकत बुग्ज है और कुछ नहीं है. अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तआला हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन ताहा व यासीन.